स्वाप की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्वाप को कैसे सही तरीके से सुखाया जा सकता है जिससे कलर भी खराब ना हो, समय भी कम लगे और जगह भी कम लगे। पहले आपको स्वाप सूखती कैसे है उसके पीछे का साइंस समझना पड़ेगा। स्वाप सुखाने का पहला तरीका, अगर स्वाप को हम डायरेक्टली धूप में रखते तो उसका दाना धीरे धीरे गर्म होगा और उसके अंदर जो पानी है वो भी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और वो भाप बन के बाहर निकलना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे स्वाप सूखना स्टार्ट हो जाएगी। स्वाप को सुखाने का दूसरा तरीका, अगर स्वाप के दाने के ऊपर से हम गर्म हवा को पास करें तो उसके अंदर जो पानी है धीरे धीरे भाप बन के बाहर निकल जाएगी और स्वाप सूखना स्टार्ट हो जाएगी। स्वाप को धूप में सुखाने से फ़ायदा ये मिलता है कि वो जल्दी से सूख जाती है और जो धूप होती है वो एंटी फंगल होती है, यानी कि वो फंगल का कंट्रोल कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दाने के ऊपर फंगस नहीं फैलती, जिसकी वजह से दाने के ऊपर कालापन नहीं दिखता। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि धूप की वजह से जो कलर था स्वाप का ग्रीन कलर वो धीरे धीरे सफ़ेद हो जाता है, तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जबकि दूसरे तरीके में स्वाप को सूखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके दाने के अंदर जो भी पानी है उसकी वजह से फंगल आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से दाना थोड़ा सा काला पड़ जाता है। लेकिन इसका फायदा भी है, यहाँ पे सनलाइट जो है डायरेक्टली दाने के ऊपर नहीं गिरती, जिसकी वजह से जो दाने का कलर है ग्रीन का ग्रीन ही रहता है, उसका कलर बहुत ही अच्छा बनता है। तो इन दोनों तरीकों में से आपको जो चीज़ें अच्छी अच्छी है उसमें से निकाल के कोई एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर आपके दाने की कलर भी खराब ना हो और उसके ऊपर ब्लैक फंगस भी ना आए। तो इसके लिए आपको ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा जिसके अंदर थोड़ी बहुत धूप भी आती रहे और हवा भी चलती रहे, जिसकी वजह से दाना भी सूख जाए और उसके ऊपर जो ब्लैक फंगस भी ना आए और उसका कलर भी ख़राब ना हो। चलो हम इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 सत्तर लिए हैं, इन तीनों सत्तर को मैं अलग अलग जगह पे रख के एक बार ट्राई करूँगा। तो जो पहला सत्तर है मैं धूप में रखूँगा, दूसरा सत्तर है जो मैं छाँव में रखूँगा और तीसरा सत्तर जो है मैं उसको आधी धूप और आधी छाँव के अंदर रखूँगा। फिर हम एक हफ्ते के बाद उसको चेक करेंगे कौन से सत्तर का कैसा कलर है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे जो धूप में रखा था वो 70 पूरी तरीके से सूख गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसका कलर बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो गया है। जो 70 हमने छाँव में रखा था वो थोड़ा सा सूख तो गया है लेकिन उसमें अभी भी नमी है, उसका कलर तो ग्रीन है लेकिन उसके दाने के ऊपर ब्लैक सी फंगस दिख रही है। तीसरा 70 जो मैंने थोड़ी सी धूप और थोड़ी सी छाँव के अंदर सुखाया था वो सबसे अच्छी क्वालिटी का 70 है अभी की कंडीशन में, यानी कि उसके ना तो कलर ख़राब हुआ है, ना तो कालापन हुआ है, ना तो वो सफ़ेद हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में आती है कि स्वाप सूखने के लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, पहले तो सनलाइट, दूसरा है हवा की स्पीड और तीसरा है हवा के अंदर की गर्मी। अगर ये तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन हम सही तरीके से करके कोई स्ट्रक्चर तैयार करें तो इसमें जो स्वाप निकलेगी वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की निकलेगी और जो रेट मिलेंगे वो भी बहुत ही अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे हमने 3 चीज़ों पे ध्यान में रख के एक स्ट्रक्चर तैयार किया है जिसके अंदर ऐसे उसको तैयार किया गया है कि उसके अंदर थोड़ी सी सनलाइट भी आती रहे और उसके अंदर हवा भी चलती रहे और दिन के दरमियान उसकी हवा जिनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा एडवांटेज मिल जाते हैं और ये जल्दी से सूख जाती है। तो उसमें से जो बन के स्वाप बाहर निकलती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी की मिलती है। यहाँ पे कुछ फार्मर ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पहली गलती नंबर 1, आप ऊपर जो छत है उसको ऐसे बना लेते हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी भी धूप नहीं आती। दूसरी गलती ये कर देते, कभी कभी छत ऐसी बना लेते हैं कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा धूप आ जाती है। तीसरी गलती ये करते हैं कि इसको ऐसी जगह पे इस बनाते हैं स्ट्रक्चर को कि जहाँ पे हवा की स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम चलती हो। तो ये 3 गलतियों की वजह से आपकी स्वाप की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकती है, तो ये चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। अभी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी भी कुछ ऐसे सेटअप बनाए जा रहे हैं जिसके अंदर स्वाप को एक बार डालने से वो पूरी तरीके से सूख जाएगी और एक ही दिन में बनकर तैयार हो जाएगी, जिसमें क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी रहेगी और उसका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, उसको कैसे बनाना है, उसके बारे में आपको जानना है तो आप चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे आप कॉमेंट में लिख सकते हैं, अपना नंबर छोड़ सकते हैं, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और उसको बनाने का तरीका भी सिखाएंगे।